ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अभी ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन होती है बेसिकली पकड़, ग्रिप। आपकी गाड़ी जैसे अभी रोड पे खड़ी है तो रोड का सरफेस हुआ और साथ के साथ टायर का सरफेस हुआ, इन दोनों के बीच के ग्रिप, इनको मैक्सिमाइज करता है, बना के रखता है हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब आपने देखा होगा सडनली हम रेस दे देते हैं तो हमारा टायर छींची छींची करके घूमने लगता है। अब वो घूम क्यों रहा है? क्योंकि उस टायर का आरपीएम ज्यादा हो गया है, हमारी व्हीकल की स्पीड कम है, इसीलिए तो वो घूमने लगा। अब इस चीज को सेंस कर लेता है हमारा ईसीयू, ईसीयू कमांड भेज देता है डायरेक्टली हाइड्रोलिक यूनिट को। हाइड्रोलिक यूनिट उस व्हील में जिसका आरपीएम ज्यादा है उस व्हील में ब्रेकिंग इफेक्ट दे देती है, क्योंकि मेन पर्पज है उसका जो आरपीएम ज्यादा हो रहा है, घूम रहा है वो, उसको कम करना। अब ब्रेकिंग तो चली गई वहां पर, उसके साथ साथ उस व्हील को पावर मिल कहां से रही है जो वो घूम रहा है? इंजन से, थ्रॉटल रेस्पॉन्स से। तो साथ के साथ ईसीयू वहां भी कमांड दे देता है और भाई जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है, इंजन की पावर है, वो भी कम हो जाती है उस व्हील में। तो दोनों मिलाकर अफेक्ट कर देते हैं उसके आरपीएम को, जो ज्यादा हो रहा था वो हो जाता है कम और जो ट्रैक्शन है वो मेंटेन हो जाता है।